नमस्ते दोस्तों, और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी हम उत्तराखंड में हैं। इस जगह का नाम है नेल, और अभी हम बीरेंद्र भैया के घर में हैं। मोहन भैया का दोस्त है और सब चाय पी रहे हैं सुबह के टाइम। और यहाँ पे तितली सो रखी है मेरे बेटी, और तितली के साइड में देखो, माथे के साइड में है मेरा माइक्रोफोन, ठीक है, जो मैं लेके गया था लेकिन एडिटिंग एक भी नहीं किया। और आप लोगों को अभी बाहर का व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर है। सुबह के टाइम बहुत खूबसूरत लग रहा था, ठीक है। और अभी टाइम है 7 या 7:30 बज चुके हैं, और ये देखो कितना सुंदर व्यू है। ये जो घर है ना बीरेंद्र भैया का, ये पहाड़ के बहुत ऊपर है। यहाँ से मेन रोड और मेन जो मार्केट है जहाँ पे सब कुछ मिलते हैं, चाल डाल सब कुछ मिलते हैं, वो बहुत नीचे है। तो हम चाय वाय पी के मैं, डुग्गू और पीयूष मिलके गए थे वहाँ पे नीचे, कितना दूर है ये चेक करने के लिए। मैं ही बोला था उन लोगों को, तो उसका वीडियो मैंने इस चैनल में दिया, पार्ट 1 में है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो मेरे चैनल में जाके। तो यहाँ से बहुत दूर है, और ऊपर आने में बहुत ज़्यादा सांस फूल जाता है, और सामान लेके आने में कितना सांस फूलता है। और ये जो घर है ना, ऊपर से माथे पे लेके आते हैं। तो मैंने चाची से पूछा था कि इस ये जो घर है ना, करने में कितना दिक्कत होता है, बहुत पतले पतले रास्ते हैं, और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल सकता, तो कितना ज़्यादा दिक्कत होता है यहाँ पे। और ये सब पत्थर है, कितना तो मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा, ये बोलना चाहती हूँ मैं, ठीक है। मैं, मेरा हिंदी ना सचमुच बेकार है, इसीलिए मैं मतलब खोल के बात नहीं कर सकती, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करना ही चाहिए। और ये जो हम जिस दिन आए थे उस दिन का वीडियो, मेरे पास वीडियो ओ वाला वीडियो नहीं था, इसलिए ए वाला वीडियो दे दिया। मैं, पीयूष और डुग्गू नीचे से घूम के आके, और हम कहीं पे नहीं गया। तो पीयूष ने और डुग्गू ने बोला था जाने के लिए कैमरा शूट करने के लिए, कि लेकिन मेरा, मैं सोचा कितना सारा शूट करूँ, इतना ज़्यादा मैं दूँ या ना दूँ। और मेरा मन उस टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्यों ख़राब था वो तो बता नहीं सकता। और वहाँ से आके मैं कुछ नहीं किया, सुबह का ब्रेकफास्ट किया, अंडे का भुजिया और रोटी, ठीक है, खाया। उसके बाद हम ऊपर ही थे, बैठे थे, सो रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद हम शाम के टाइम एक जगह पे जा रहे हैं बीरेंद्र भैया के रिलेटिव के घर में। तो यहाँ पे ये है भाभी, ठीक है, बीरेंद्र भैया का वाइफ, और हम सब मिल के जा रहे हैं। तो चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, अच्छा लगेगा आप लोगों को। यहाँ पर सब लोग हैं, देखो भाभी, तुम बोलोगे भी ऐसी ऐसे 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 ही क्या? वो एडिट करती है ना, तो बोलना तो है। अच्छा, इसको घर में जाके बोलेंगे? हाँ, घर में बोला जाता है। हाथ पकड़, लोग तो लाइव बोलते हैं यार, ये इनके बस की बात है लाइव बोलना, हमारे जैसे ही हम मार सकते हैं, ये हालतू फालतू की बात है। अरे नंदनी भाई, सुंदर को फोन कर, चलो चल चल चल, मैं ही जाऊँगा, चलो मेरे, हमारी बना लो, खुद ही बनाते जा रही है यार, हमारी भी बना लो, कम से कम एक आध फोटो हमारी भी दे। भाभी आओ, ये हमारे बच्चे, ये है, इतनी इंग्लिश कब से बोलने लगे भाई, है ना, हम इसके फैन है। हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो,
अरे नंदनी का सबकी बन रहा अरे सारे आ रहे अभी हम मेन रोड पे हैं। ये जो रोड है ना, यही है मेन रोड, और यहाँ पे हमारा गाड़ी जो है खड़ा है, और ये जो रेड कलर का बॉर्डर करके आप लोगों को दिखाया ना, यही है। यहाँ से ही वीरेंद्र भैया के घर में जाना पड़ता है। मेन मार्केट भी यहाँ पर है, यहाँ से ही सब कुछ खरीदना पड़ता है, चावल डावल जो भी आप लोगों को खरीदना है यहाँ पे ही खरीदना है। और इस साइड में है, और यहाँ पे हेमा बोल रही है मेरा वीडियो बना दो श्रेया और तितली को लेके, तो मेरा थोड़ा सा बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो मेमोरी बन के रह जाएगा, मैं बाद में जब देखूँगी तो मुझे भी लगेगा हाँ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। तो मैं जहाँ पे अभी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो आज बारिश के वजह से लाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर हूँ घर के, तो मैं क्योंकि मुझे आवाज़ देना पड़ता है ना वीडियो में, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी बज चुके हैं रात के 1 और मैं अकेले हूँ यहाँ पर, तो डर नहीं लग रहा लेकिन गर्मी बहुत लग रहा है और पूरा अंधेरा है। मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, पूरा घर रोड सब कुछ अंधेरा है। तो मैं इससे पहले, मैं हिंदी चैनल शुरू करने के पहले मेरा एक बंगाली चैनल भी था, तो वो चला नहीं है। मैं वहाँ पे 1.5-2 साल से काम कर रही थी लेकिन चला नहीं। वहाँ पे 450-450 वीडियो होने वाला है लेकिन वीडियो नहीं चला, इसलिए मैं हिंदी में कोशिश कर रही हूँ, तो शायद यहाँ पे हो जाए। मैं बहुत साल से यहाँ पे हूँ, शायद तितली हुआ भी नहीं है। 4 साल से मैं यूट्यूब में हूँ। मेरा पहले एक चैनल था जो मैंने डिलीट कर दिया कुछ वजह से, वो बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी ना कभी। तो कोशिश, और रात जग के एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सच बोलो तो, लेकिन उसके हिसाब से मैं रिजल्ट नहीं अभी तक मिला, बंगाली चैनल में भी नहीं मिला और हिंदी चैनल में तो अभी नए हैं। मैं 1.5 साल पहले मैंने सोचा था जे हिंदी में मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा बुरा है ना, इसलिए मेरा हिम्मत नहीं हुआ। तो अब से मैं हिंदी में ही वीडियो बना रही हूँ। बंगाली जो चैनल है वो अभी पूरा बंद कर दिया मैंने, तो यहाँ पे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे, मेरा प्लीज़ सपोर्ट करिए। बहुत कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बहुत कुछ है मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मुझे ट्रोल करते हैं, बोलते हैं क्या कर रही हो, बेकार कोई काम का नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मेरा अर्निंग नहीं हुआ ना यहाँ से। अभी हम वीरेंद्र भैया के रिलेटिव का घर में हैं, और ये जो भाभी देख रहे हो ना, इस भाभी का घर हमारे वहाँ पे ही है, तो वहाँ पे रहते हैं। ये तो असली ससुराल है और वहाँ पे काम के वजह से भैया और भाभी रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे घर से 5 मिनट लगते हैं इस भाभी का घर में। मुझे तो पता नहीं है कहाँ पे, लेकिन बोल रहे थे वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ से मेन रोड दूर नहीं है, आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, और यहाँ से व्यू देखो अच्छा है ना, जो कैमरा में दिखता है ना उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है सामने से, खुद आंखों से देखना। और ये है मेन रोड, जो ब्लैक कलर का रोड रास्ते देख रहे हो ना, यहाँ से दूर नहीं है तो इस घर, और वो जो घर दिख रहे हो वो पुराना वाला घर है, और ये घर नए वाला घर। और यहाँ पे आंटी हाई कर रही थी, भाभी ने बोला यूट्यूब का चैनल है इसलिए हाई कर रही थी। यहाँ पे तितली है, भाभी है, और ये है मेन रोड, और यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा है ना। हम नहीं वैसे तो ज़्यादा जैसे दिख रहे ना, गाँव वैसे ये तो अब ये ऐसे ना बने पानी गाँव में ये
मतलब जीजू ने रिजॉर्ट में कुछ और भी लगा होगा ना बासी वो उस टाइप में बना रखा उन्होंने यहाँ पे सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं और हम लोगों का खाना खा लिया। मैं, पीयूष, भाभी, हेमा सब ने खाना खा लिया। ठीक है, पहले ही खाना खा लिया था, अब सब खाना खाने बैठे हैं। मोहन भैया, बिरेंद्र भैया, मेरे हस्बैंड सब लोग खाना खाने बैठे हैं। मैं आप लोगों को अभी एक रिजॉर्ट दिखाऊंगी जो भैया ने बोल रहा था। कितना खर्चा हुआ बनाने में ये तो मुझे याद नहीं है, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, बहुत खर्चा हुआ ये रिजॉर्ट बनाने के लिए। तो मैं अभी दिखाऊंगी। वो जो बहुत ज़्यादा लाइट जल रहा है ना, मैं रेड कलर का बॉर्डर करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो वही है रिजॉर्ट, ठीक है। और पूरा पहाड़ देखो, अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत दिन के टाइम लग रहा था, अभी पूरा अंधेरा है, ठीक है। और सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं भूतों से, ठीक है। मैं भी डरती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। सब लोग बोल रहे थे यहाँ पे रुकने के लिए, हम तो मान गए थे लेकिन बिरेंद्र भैया नहीं माना। तो अभी हम जा रहे हैं घर में, ये देखो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। तो सब पापा के गोद में सब मतलब बच्चे हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड के गोद में तितली है, मोहन भाई का गोद में श्रेया है और बिरेंद्र भैया के गोद में है उसका नाम क्या है ये तो याद नहीं है मुझे, ठीक है। और हम जा रहे हैं अभी, देखो। और सबका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे हस्बैंड का और मोहन भैया का हालत बुरा हो गया, ठीक है। वो पीछे हैं, हम लोग आगे आगे चल रहे हैं। तो उसका हालत दिखाऊंगी अभी। मैं सूट किया कि नहीं ये तो याद नहीं है। अभी हम पहुंच गए हैं, वो देखो बिरेंद्र भैया का घर दिख रहा है। उसके बाद हमारे गांव में जब हम रात में आते हैं ना, तब आगुन मतलब आग में ऐसे घुमाते हैं, तो यहाँ पे भी है। हम आए उसके बाद आग जला के हम लोग आग से सीखा, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में ये तो मुझे पता नहीं है, मतलब आग जला के कुछ किया था, ठीक है। तो हम पहुँच गए यहाँ पे, भाभी है सामने, भैया है, हेमा है, मैं हूँ और तितली और श्रेया सो गया था। हम आके हाथ पैर धो के घर में जाके सो गए थे। तो आज इस व्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ मिलूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग घर जाने का व्लॉग होगा, तो छोटा सा ही व्लॉग होगा। तो तब तक लिए बाय, आप सब अच्छे रहो, डिप्रेशन में मत जाओ मेरे तरह, ठीक है। काम करते जाओ, फल एक दिन मिलेगा। तो बाय, टेक केयर।